हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल सलमा स्टाइल्स। गुड मॉर्निंग। और आज है 20th नवंबर और मंडे का दिन। हम लोग यहाँ से 10:04 पर निकल चुके हैं। कल रात में हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को देख लिया, दर्शन हो गए और अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम और ओशन व्यू देखने के लिए। 10 बज गए, थोड़ी सी नींद हम लोगों ने पूरी कर ली है, फिर भी थोड़ी सी मुझे तो थकावट हो रही है, बट आए इतनी दूर तो देखना तो बनता है। तो अभी उसी तरफ जा रहे हैं, चेकआउट तो हो ही गया है, तो आगे आपको दिखाते हैं हम क्या क्या देखते रहेंगे। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये है सोमनाथ मंदिर का एंटर करने का द्वार अभी यहाँ से हम फिर से उसी तरफ जा रहे हैं। जो ओशन व्यू था कल रात को हम गए थे, मगर वो बंद हो गया था, वो 9 बजे बंद हो गया था और सुबह 6 बजे खुलता है। तो बस एक बार ही व्यू देखने के लिए ही जा रहे हैं और कोई रीज़न नहीं है। बाकी त्रिवेणी घाट में कहते हैं कि नदियों का संगम होता है, सरस्वती दिखती है उधर, तो बस एक बार ही सोचा कि देख लेते हैं। हम जा रहे हैं ओशन व्यू की तरफ और पीछे आप देख रहे होंगे कि ओशन व्यू लिखा है और उसी के सामने ये स्टैचू है। चलिए चलते हैं ओशन व्यू की तरफ। यहाँ से भरत उस वेटिंग फॉर्म में हम फाइनली एंटर कर रहे हैं। ये भी चौपाटी की तरह ही लग रहा है मुझे तो, चौपाटी जैसे है। सो दिस इज ओशन व्यू और बस साइकिल अभी आगे जाएंगे तो पता चलेगा। थोड़ा तेज की बोलो। बोल रहा हूँ आगे जाएंगे तो पता चलेगा। और कहते हैं इस ओशन से वो दिखते हैं, मंदिर भी दिख जाता है, तो बस एक बारी वो ही देखना था। तो इस बीच में घोड़े भी हैं, ऊंट कैमल राइड भी है और वो रहा सोमनाथ मंदिर। ब्यूटीफुल। क्योंकि है उतना क्लीन तो नहीं है बीच, बट इससे और ये रहा सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ this
वीडियो चलेगा ना। ओ शिट माय माय शिट।
ये तो बहुत गर्म है। जैसे गए थे जनाब वैसे वापस आ रहे हैं।
है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सलमा स्टाइल्स. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल सलमा स्टाइल्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.